महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत के मार्गदर्शन से और नागपुर ग्रामीण युवा कांग्रेस अध्यक्ष मिथिलेश कन्हेरे इनकी अध्यक्षता में बाबा आष्टनकर की अगुवाई में महंगाई से मुक्ति का नारा बुलंद किया गया। इस दौरान बाबा आष्टनकर ने कहा, बढ़ती महंगाई से छोटे व्यापारी से लेकर आम गृहिणी भी, खास करके घरेलू रसोई और राशन की बढ़ती कीमतों से परेशान है। कहा, 13 दिनों में 11 बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से देश की आम जनता परेशान है। आंदोलनकर्ताओं ने इस दौरान नरेंद्र मोदी देश विरोधी के नारे भी लगाए। आंदोलन में युवक कांग्रेस के साथ महिला कांग्रेस, सेवा दल NSUI के पदाधिकारी और संजय जगताप, अशोक पुनवटकर, विनोद उमरेडकर, शशिकांत थोटे, जिशान शेख, तौसीफ शेख, फिरोज शेख, श्रीकांत ढूने, अतुल देरकर, हिंगना विधानसभा युवक कांग्रेस कमेटी, शालिनी मनोहर, ताराचंद निघोट, नरेंद्र गुंजरकर, ललित चौधरी, शुभम दुबर्डे, लीला चमाटे, सलाम महाजन, शुभश गाले, संदीप निम्बालकर, सुधीर मस्के, उमेश धोटे, सत्येंद्र सिंह और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस देश में आज 13 दिनों से 11 बार डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस, ये तीनों चीजें केंद्र सरकार ने महंगी की। उस वजह से सर्वसामान्य आम जनता तकलीफ में आई हुई है। इसके साथ ही खाने का तेल हो, जीवनावश्यक वस्तु हो, जिसमें दाल हो, गेहूँ हो, चावल हो, इन सब चीज़ों के रेट दर जो है बहुत आसमान को छू रहे। उस वजह से छोटे गरीब मझले जो लोग हैं हिंदुस्तान के, उनको सबको तकलीफ सहनी पड़ रही है। इनके घर का सबका बजट कोलैप्स हो गया। NBCN न्यूज़ के लिए हिंगना से आशीष गुंडानी की रिपोर्ट।